हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11 सब्जेक्ट EVS। जो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे एडाप्टेशन टू विंड वेरिएशन है। इससे पहले हमने आप लोगों को एडाप्टेशन टू लाइट वेरिएशन बताया, आप लोगों को हमने एक्सप्लेन किया कि एडाप्टेशन फॉर लाइट इन प्लांट एंड एनिमल्स, कि एडाप्टेशन कितना ज़रूरी है, लाइट एडाप्टेशन कितना ज़रूरी है, लाइट कितना ज़रूरी है एडाप्टेशन के लिए फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ पे हम विंड कितना वेरिएट करते हैं, वेरिएशन लाते हैं एनिमल प्लांट के अंदर, हम खासकर एनिमल के अंदर देखेंगे विंड को अभी। लेकिन इससे पहले हमने लाइट को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि किस तरह लाइट कितना ज़रूरी होता है फॉर प्लांट और फॉर एनिमल्स के लिए, ठीक है। उनमें से हमने बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल्स देखे जो लाइट में ख़ुद को एक्टिव कर पाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट देखे जो लाइट में ख़ुद को एक्टिव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वाटर भी हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को ज़्यादातर आप लोगों को इसमें दिया है लाइट, विंड और टेम्परेचर का देखने, आप लोगों को इसमें वाटर का आप लोगों को नहीं दिया है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं विंड कैसे वेरिएशन लाते हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो एडाप्टेशन टू विंड वेरिएशन इन एनिमल्स कुछ फॉलोज दिया हुआ है। जहाँ पर बर्ड्स अगर देखा जाए तो खुद को एडाप्टेशन कैसे वेरी करते हैं, देखो। बर्ड्स इन विंडी माउंटेन्स एरिया बिल्ड देयर नेस्ट इन वेल प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज़ बिहाइंड शेल्टर रॉक्स। मोस्टली जो रॉक्स होते, क्योंकि विंड बहुत तेज़ी से चलते रहते हैं माउंटेन्स पे, तो हमेशा वो जहाँ बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनके बैक साइड में, पिछले से जहाँ विंड की फ्लो बिल्कुल कम होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगा, उस जगह पे ज़्यादा अपना नेस्ट बनाते हैं। इंसेक्ट्स जो ज़्यादातर विंडी एरिया में, वो विंगलेस होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको एकदम से कैरी करके नहीं ले जाता। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, वो विंगलेस होते हैं, ठीक है। मंकीज एंड एप्स हैव ग्रिपिंग हैंड, उनके जो हैंड होते हैं वो ग्रैपिंग एकदम से जकड़ सकता है, और फीट भी एकदम से जकड़ने वाला होता है, ताकि वो ट्विग्स पे एकदम से जा सकते हैं ज़्यादातर हर जगह एरियाज में, ठीक है। तो एकदम से अगर विंड चल रहा हो तो वो विंड को, विंड अपने साथ उसको नहीं ले जाता, क्योंकि उसके जो हैंड है और फीट ऐसे एडाप्ट हुआ है ग्रैपिंग की जैसा, ये एक एडाप्टेशन है, ठीक है। यानी बहुत सारे, चाहे वो ह्यूमन भी, मोस्टली ह्यूमन हो, मोस्टली प्लांट ज़्यादा एडाप्ट कर पाता है ख़ुद को, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो एक जगह पर एडाप्ट नहीं कर पाता, लेकिन पहले से ही एडाप्टेशन उनके अंदर फॉर्मेट हुआ है, ठीक है। तो वो एक हर्ष क्लाइमेट के अंदर भी ख़ुद को अडाप्ट कर पाते हैं। बर्ड ऑल्सो हैव अ फ्रेम पर्चिंग मैकेनिज़म्स, उनके अंदर भी पर्चिंग मैकेनिज़म भी होते हैं बर्ड्स के अंदर, और मोस्टली अगर देखा जाए तो आप लोगों को एनिमल्स मोस्टली रिमेन कन्फाइंड टू देयर शेल्टर ड्यूरिंग हाई स्पीड विंड। अगर देखा जाए तो मोस्टली जो यहाँ पर हाई स्पीड विंड है, तो वो एनिमल खुद के हिसाब से खुद की शेल्टर उसी के हिसाब से बनाया होता है। सो ये था थोड़ा बहुत एडाप्टेशन ऑफ विंड के बारे में, हमें इतना ज़रूरी ये नहीं था। तो यहाँ से हमारा ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इन एनवायरनमेंट। फिर इसके बाद हम आप लोगों को और एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। तो हम होप, शायद हमारा एक अभी तो स्कूल भी खुलने वाला है, तो हम यूनिट फोर्थ को हम किसमें पढ़ेंगे, एडाप्टेशन टू विंड इकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, पॉपुलेशन इकोलॉजी को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।